सुनो बालवीर, यह हमारा घर है, इसलिए यहाँ कोई शैतानी मत करना, समझ गए ना? तुम लोग इतने बड़े परी लोग को छोड़कर इतने छोटे से घर में क्यों रह रहे हो बाल सखी बाल मित्र? धीरे बोलो। धीरे धीरे शब्द कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, अपनी आवाज धीमे रखो, ओके? और हाँ, हम दोनों यहाँ बाल सखी और बाल मित्र के रूप में नहीं रहते, मानव और महर के रूप में रहते हैं। यह मानव और मैं हूँ मैं, और तुम छोटू हो बालवीर। अच्छा, मैं छोटू बालवीर? नहीं, तुम्हारा नाम छोटू बालवीर नहीं है, तुम्हारा नाम सिर्फ छोटू है। ठीक है, तो मेरा नाम है सिर्फ छोटू। तुम्हारा नाम है छोटू, ओके? समझ गया ना? चलो अब अंदर चलते हैं। हमारे घर में इतना डेकोरेशन क्यों हुआ है? पता नहीं मानव। Happy anniversary! बल्लू कहाँ? अरे ये बल्लू लल्लू कहाँ चला गया? एक हमें बालवीर को भी बचाना, अरे बल्लू लल्लू भी ऐसे टाइम पे गायब हो जाता है। अरे मानव, तू भूल क्या क्या? बल्लू लल्लू ने रेसिस में बताया था ना कि वो चाचा के घर जा रहा है, चाचा की तबीयत खराब हो गई है। याद आया, ये परेशानी थी, मैं भूल ही गया था। बल्लू के चाचा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, इसीलिए वो गया। जैसे उसके चाचा ठीक हो जाएंगे वो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। लेकिन तुम लोग कौन सी परेशानी में थे? परेशानी? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे पापा, आप लोगों ने बताया नहीं ये डेकोरेशन किस बात के लिए हुई है? बेटा, आज बल्लू के हमारे घर परिवार से जुड़ने की तीसरी एनिवर्सरी है। अरे हाँ, आज से ठीक 3 साल पहले बल्लू लल्लू हमारे घर पे आया था। ये वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ, वैसे हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग बल्लू के साथ मिलकर उसके इस घर में आने की खुशियां मनाएं, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसके चाचा के यहाँ से आ जाएगा ना, फिर हम सब मिलकर उसे विश करेंगे। आया तो मैं भी हूँ आपके घर, तो क्या आप मेरे आने की खुशी नहीं मनाएंगे? अरे मनाएंगे ना, जरूर मनाएंगे। ये बालवीर को क्या हो गया? मर गए। हमने बालवीर का कॉस्ट्यूम तो चेंज किया ही नहीं। यार, अरे पापा, ये बालवीर नहीं है, ये ना हमारे क्लासमेट प्रथम का छोटा भाई छोटू है। एक्चुअली हुआ यूं कि प्रथम की फैमिली को ना 2 दिन के लिए अर्जेंटली जाना पड़ा और वो इसे नहीं ले जा पाए, इसलिए हमें इसे यहाँ लाना पड़ा। खुश रहो सब लोग, खुश रहो। इतना प्यारा है ये। बेटा तुम कहाँ रहते हो? परीलोक में। ओ एक्चुअली मम्मी, छोटू परीलोक और बालवीर का बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए वो अपने घर को परीलोक समझता है और खुद बालवीर जैसे बन के घूमता है। देखो। अरे वाह, वैसे तो सभी बच्चे बालवीर के बहुत बड़े फैन हैं, मैं भी ये बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम लोग एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ माँ। मुझे भी माँ की याद आ रही है। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, जैसे मैं मानव मेहर और बल्लू की माँ हूँ, वैसे मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। माँ,
मुझे माँ कह सकती। तो चलो माँ अब अपनी छोटी लंबी करो। मेरी छोटी वो किस लिए? क्योंकि मुझे झूला झूलना है। बेटा मेरी छोटी लंबी नहीं हो सकती। लेकिन मेरी माँ बालपरी की तो छोटी लंबी होती है। और आपने कहा आप मेरी माँ जैसी हैं, तो चलिए कोशिश कीजिए। मजाक मजाक कर रही है। ये छोटू ना बहुत चलाती है, बड़ों से अक्सर ऐसे मजाक करता रहता है। अरे किसी की छोटी लंबी हो सकती है क्या छोटू? चलो कमरे में चलो चलो चलो। ये छोटू को देखकर मुझे छोटे बल्लू की याद आ गई। वो भी पहली बार जब हमारे घर आया था तब इसी की तरह मासूम और भोला था, और जब पहली बार घर आया था तब इसी की तरह ऊटपटांग बातें किया करता था। परीलोक के बादल पृथ्वीलोक के बादल से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है क्या ऐसी खास बात इनमें? ऐसी परीलोक के ये बादल चमत्कारी गरज बरस बादल है। परियां इनमें पानी भरकर पृथ्वीलोक पर बारिश करवाती है। और इन बादलों की एक खास बात यह है कि इनमें सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि अच्छी और बुरी शक्ति भी भरी जा सकती है। और मैं इनमें अपनी बुरी शक्ति भरकर पृथ्वी लोक को बुराई का केंद्र बना दूंगी। तभी तो मैंने परियों को मेरे साथ लड़ने में व्यस्त रखा ताकि तुम छुप कर इन बादलों को इकट्ठा कर सको। और मैं इन बादलों में अपनी बुरी शक्ति भरकर इन्हें पृथ्वी लोक भेज सकूं। बेचारा बालवीर, वो तो मुझे रोक ही नहीं पाए क्योंकि उसे पता है अगर वो मुझे चोट पहुंचाएगा तो दर्द उससे होगा। वाह, है क्या बनाई आपने बढ़िया योजना। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ले लीजिए और देख लीजिए आप खुद ही और कर लीजिए तसल्ली। देखिए वो क्या कहिए डर। परियां ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो तो अच्छी तरह से जानती हैं अगर उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई तो दर्द बालवीर का होगा। तबा हमें जल्दी से इन बादलों को छुपाना होगा। मैं नहीं चाहती परिया मेरे इन बादलों की योजना को जाने। Thank you.
का ये वार मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है? जरूर परियों ने बालवीर के अंदर से वो बुरा जादू निकाल दिया होगा। क्या मानव, तुम लोग अंधेरे में खेल रहे हो, लाइट तो ऑन कर देते। बालवीर यानी छोटू, ये कोई जुगनू नहीं है बल्कि एक बल्ब है। ये कौन सा नया प्राणी है जो जुगनू जैसा दिखता है पर उड़ता नहीं है और हाथ लगाने जा तो गुस्से से गर्म हो जाता है? अरे ये कोई प्राणी नहीं है, ये बल्ब है। क्या है ये बल्ब? क्या बल्ब? ये बल्ब है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु। हाँ वस्तु है ये, वस्तु, इसीलिए इसे लाइट भी बोलते हैं। ये लाइट देता है तो अंधेरा दूर भाग जाता है। अंधेरा कैसे दूर करते ये तो पता चल गया, पर यहाँ के लोग भूख कैसे दूर करते ये पता नहीं चला। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हाँ मानव, हम इसके खाने का तो भूल ही गए थे। चल मानव जल्दी से मम्मी को जाकर बोलते इसके लिए कुछ बना के दे दे। नहीं, इसके कपड़े तो चेंज कर देते हैं, ये इसे घूमता तो बहुत परेशानी होती है। कोई बात नहीं, तू अपने कपड़े इसे दे दे, तेरे कपड़े इसको आराम से फिट आ जाएंगे। ये क्या बोल रही है? मुझे देख, उसको देख। अरे मानव, तेरे जो पुराने कपड़े हैं, जो छोटे हो गए हैं, वो इसे दे देना, हो जाएंगे ना। तू तो ऐसा बोल रहा है, ऐसे कैसे मैं समझ जाऊंगा कि मेरा कपड़ा उसको हो जाएगा? तो ऐसा बोलेगी तो मैं कैसे समझूंगा? हो गया, अब तू जाएगा ऐसे ऐसे ही करता रहेगा। ऐसे ऐसे ही करता रहूंगा क्या? जाऊंगा। मानव वो मेरा कपड़ है, पता है। ये जरूर आएंगे। छोटू तुम ये पहन लो। क्या हुआ? हम लोग बाहर जाते फिर तुम चेंज करना। हाँ फिर जाओ ना। आखिरकार कपड़े तो ढंग से पहन लिए, अब कुछ खाने के लिए भी ढंग का दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ खाना तैयार हो रहा है। और हाँ पेट भर के खाना। पेट भर के? हमारे परलोक में तो मुंह भर कर खाते हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ पृथ्वी लोक पर भी मुंह भर के खाना। ओके चलो। प्रशांत का तुम्हारा बुराई का खेल तुम्हारे जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका है। रानी परी, खेल तब खत्म होता है जब खिलाड़ी ने हार मान ली है, और मैं कभी भी हार नहीं मानने वाली।
प्रचंड का। एक बाजी हार गई तो क्या हुआ रानी परी, खेल अभी बाकी है। आज एक बार फिर से प्रचंड का हमारे हाथ से निकल गए। रानी परी ये देखिए, प्रचंडिका का जादुई दंड हमारे हाथ लग गया है और वो अपने जादुई दंड के बिना कमजोर है। हम उसे आसानी से कब्जे में ले सकते हैं। हाँ रानी परी, अब तो हम प्रचंडिका को बड़ी आसानी से कैद कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बालवीर को पृथ्वीलोक से परीलोक में वापस बुला लेना चाहिए। नहीं परी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय प्रचंडिका हमारी कैद में नहीं है और फिर परिलोक पर सुरक्षा कवच भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रचंडिका अपने जादुई दंड को प्राप्त करने के लिए परिलोक पर हमला कर दे। इसीलिए हमें बालवीर को उससे दूर रखना होगा, क्योंकि अगर बालवीर उसके हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए परियो, हमें 8 साल के छोटे शक्तिहीन बालवीर को परिलोक से दूर पृथ्वी लोक में रखना होगा। लेकिन रानी परी, हम बालवीर की सुरक्षा के लिए बालवीर पर एक सुरक्षा कवच भी तो बना सकते हैं ना? नहीं बालपरी, ऐसा करना मूर्खता होगी, क्योंकि उस सुरक्षा कवच की वजह से प्रचंडिका बालवीर की ओर आकर्षित हो सकती है और इसीलिए उन्हें पृथ्वीलोक में ही रखना ठीक होगा, क्योंकि अगर वो परिवार वालों के साथ रहेंगे तो हो सकता है कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए और वो अपनी वर्तमान शक्तियों को प्राप्त कर ले। बालवीर और 8 साल का बच्चा और वो भी बिना जादू का, और वो भी मानो मेहर के कर है लग गया। ये तो खजाना इस लुटेरे के हाथ, अब नहीं जाने देगा ये सुनहरा मौका। ये तो बात तो बात, अरे गई कहाँ चली ये प्रचंडिका भी, है लगता है दिया प्रकृति ने ये मुझे अच्छा मौका प्रचंड लोक का राजा बनने का। सबसे पहले पकड़ूंगा मैं उस छोटे 8 साल के बालवीर को और बन जाऊंगा सबसे शक्तिशाली तोबा तोबा इस पूरे ब्रह्मांड का। बाल परी, बाल सखी और बाल मित्र को यह संदेश पहुंचाया जाए कि वो हमेशा छोटे बालवीर के इर्द गिर्द रहे और उनका ख्याल रखे। जी रानी परी। स्मिता, शाम का नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया था, अब मैं थोड़ा लाइट ही खाऊंगा। ये बल्ब है इसीलिए इसे लाइट भी बोलते हैं। लाइट खाना तैयार है। तू लेके आया खाना? वाह, देखे क्या लाया है, फल लाया है। देवा महेश, ये क्या कर रहे हैं आप? फलाहार कर रहा हूँ। लाइट खाने के चक्कर में वाकई में लाइट खा रहे हैं है? मतलब बल्ब खा रहे हैं है? तू बल्ब लेके आया मुझे खिलाने के लिए? आपने तो कहा कि आपको लाइट खाना खाना है, तो मैं लाइट ले आया। मजाक कर रहा था ये, मैंने आपको कहा था ना बहुत ही शरारती है, तो ऐसे मजाक करता रहता है। अब खाना खा ले, बहुत ही भूख लगी। छोटू तुम नहीं खाना खाओगे? चलो, बहुत भूख लगी है ना।
ये सब इतने छोटी सी चीज का है, खाना कहाँ है? अरे खाना ही तो है। खाना? वो भी इतना सा? खाने में तो होते हैं बड़े बड़े स्वादिष्ट आम। परिलोक में तो मैं बड़े बड़े आम खाता था, इससे मेरा क्या होगा? क्या हुआ छोटू? मैं ये सब नहीं खाता हूँ। पहले बल्लू भी यही कहता था कि मैं ये सारी चीजें नहीं खाता, लेकिन जब मैंने उसे प्यार से पहला निवाला खिलाया तो उसे ये सब्जी बहुत पसंद आई, और इतनी पसंद आई कि ये सब्जी उसकी फेवरेट सब्जी हो गई। ऐसा लगता है मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ और आप सबको जानता हूँ। ये बालवीर बार बार सपने में क्यों खो जाता है? मुझे लगता है बालवीर की याददाश्त वापस आ रही है, पर इस घर से बालवीर की क्या याददाश्त जुड़ी हुई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जितनी जल्दी बालवीर की आदर्श वापस आएगी उतनी ही जल्दी हमें हमारा पुराना बालवीर वापस मिल जाएगा। नटखट परी ने कहा था ना कि दो दिन पहले बालवीर की आदर्श वापस आ जानी चाहिए। ओ भाई ओ, बातें बाद में, खाना खा लो जल्दी से, रात हो गई है, ये पूरा डेकोरेशन निकालने का है। ठीक है पापा। चलो 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 चलो। बाल परी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रानी परी जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मैं और मानव बालवीर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। हाँ बाल परी, और हमें लगता है कि बालवीर की याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, सारी परियां ये जानकर बहुत ही खुश होंगी। माँ आप हमें लेने आई है ना? नहीं बालवीर, अभी नहीं, अभी कुछ समय के लिए आपको यहीं रहना होगा। पर माँ आपको पता है ना हम आपसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते हैं। माँ हमें आपकी याद आ रही है, माँ हमें आपके साथ परिलोक ले चलो ना। माँ बालवीर समझने की कोशिश करो, एक माँ का दिल ही जानता है उसे कितना दर्द होता है जब वो अपने बेटे से दूर रहती है, और खासतौर पे तब जब बेटे को माँ की सख्त जरूरत होती है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही है, बस कुछ समय की ही बात है, कुछ समय के लिए आपको यहाँ रहना होगा। और वैसे बालवीर आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पता है कल आप मानव और मेहर के साथ उनके स्कूल में जा सकते हैं। हमने जादू से आपका नाम स्कूल में डाल दिया है, और ये रहे आपके स्कूल में पहन के जाने वाले कपड़े। आपको स्कूल में बहुत मजा आएगा, और हम जल्द ही आ जाएंगे वापस ले जाने के लिए। मानव मेहर, चलो सो जाओ बेटा।
तुम लोग मुझे देखकर चौंक क्यों गए? और किससे बात कर रहे थे? माँ से। माँ से? वो दरअसल मम्मी छोटू को बहुत याद आ रही है अपनी मम्मी की, क्योंकि मम्मी के बगैर वो पहली बार सो रहा है ना। उसकी मम्मी हर रात को उसे लोरी सुनाती है, तो मानव ने उसे एक लोरी सुनाई। मानव की आवाज सुन के वो घबरा गया, है ना? इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसे अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। कोई बात नहीं छोटू, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। आज मैं तुम तीनों को लोरी गाकर सुलाऊंगी, चल। नहीं जाने देगा ये मौका हाथ से, ये महान बुद्धिमान शूरवीर तोबा। हमेशा किसी ना किसी बुरी परी के अपनाने पड़ते थे मुझे बकवास तरीके, इसलिए होती थी मेरी हमेशा हार। बच जाता था बालवीर, लेकिन इस बार इस बार चलूंगा मैं अपनी जान, हो जाऊंगा कामयाब और फिर बन जाऊंगा विश्व का सर्वशक्तिशाली महान तोबा तोबा। इस सर्वदा चट्टान स्प्रे की मदद से, इसके फुहारों की बूंदों से बन जाएगा बालवीर हमेशा हमेशा के लिए एक पहचान पुतला। ये शोर कैसा? क्या हुआ महेश? सो जाओ नहीं तो मेरे गुस्से का शोर सहना पड़ेगा। सो जाओ, आधी रात को तुम बिना शोर शब्द सुने। मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन इससे पानी कैसे पीते हैं? हमारे परीलोक में तो प्यास लगने पर एक बहते हुए झरने के पास जाकर पानी पीते हैं। अरे वाह, यहाँ पर भी एक छोटा बहता हुआ झरना है, मैं पानी पी लेता हूँ। कोई चोर तो नहीं घुसाया घर में? मुझे जाके देखना चाहिए। तो दिखाई दे रहा था। ये
मेरा शक सही निकला, अभी पकड़ता हूं। कौन है? मैं हूं। छोटू, इतनी रात गए तू यहां क्या कर रहा है? छोटू, अब है ये कौन और आ गया कहां से? बेटा नींद नहीं आ रही है? मैं पानी पीने आया था छोटे झरने से। ये पानी परीलोक के झरने की तरह मीठा तो नहीं है, पर प्यास लगी थी ना, इसलिए मैं पी रहा था। है बात करा ये परीलोक के झरने के बारे में, यानी है यही छोटू और बालवीर। अभी उड़ाता हूँ फुहारा और बनाता हूँ बालवीर को चट्टान। परीलोक झरना? मजाक कर रहा है, फिर से मजाक कर रहा है मेरा छोटू। लेकिन बेटा पानी पीना है तो लाइट ऑन करके पानी पियो। चलो मैं लाइट ऑन करके देता हूँ। छोटू वहां है तो ये यहाँ कौन है? तभी मैं सोचूं कि छोटू की आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है। अभी पकड़ता हूं। ए, कौन है तू? चोर 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 चोर! ए, क्या ये पकड़ा? पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब कहां जाए? पकड़ लिया। सचमुच का चोर था। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? तू बताया तो था। रॉकी 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 5 बार बोला। रॉकी 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 रॉकी। ओहो, तो आप 5 बार रॉकी रॉकी बोल सकते हो, 2 बार चोर चोर बोलते हैं, तो मैं समझ गया था। श्वेता, ये मेरी गलती निकाल रहा है। रॉकी भैया, सॉरी सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती इनकी है। चोर 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 नहीं बोल सकते थे? लगी तुम्हें? बहुत जोर से लगी श्वेता। बच्चा स्मिता, मुझे लगी है। आपको लगी है? हाँ। तो ठीक, मुझे लगा छोटू को लगी है। अरे छोटू को नहीं लगी है, लेकिन है, इस छोटू ने कमाल कर दिया स्मिता। जैसे बालवीर बुरे लोगों की छुट्टी कर देता है, वैसे इस छोटू ने उस चोर की छुट्टी कर दी। हाँ। चलो भाई चलो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत देर हो गई है, सब लोग सो जाओ। मेहर, अगर ये चोर था तो ठीक है, मेरा मतलब अगर ये कोई बुरी शक्ति होती तो उसे पता चल जाता कि बालवीर बच्चा बन गया। मेहर, अब तो हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। मानव, मुझे कल के बारे में बहुत चिंता हो रही है।
वो जो चोर था वो एक नॉर्मल चोरी तो था ना, कि अगर कोई विशेष शक्ति को पता चल गया कि ये वही बालवीर, उसकी शक्तियां खत्म हो गई और वो एक छोटा बच्चा बन गया तो। मेहर थोड़ा धीरे बोल, याद नहीं रानी परी ने क्या कहा था? बालवीर छोटा बच्चा बन गया, इसकी किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, उसकी सुरक्षा करना हमारी प्रायोरिटी है। समझ गई। मुझे लगा स्कूल से पहले यहाँ पर ऐसे प्रणाम किया जाता है, तो मैं भी करने लगा। हो गया तुम्हारा प्रणाम करके, अब स्कूल के अंदर जाए। चलो। आन हुआ कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अच्छा तो इस इंसान का नाम सर है। खुश रहो सर, खुश रहो। खुश रहे बेटा, बच्चे को खुश कर रहा हूँ, तुम दुखी मत हो। खुश रहे बेटा, खुश रहे। छोड़ो मुझे। तुझे लगता है मैं छोड़ूंगा? जी तो। हाँ छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ना है। मोंटू को धमकी दे रहा है। हाँ छोड़ो मुझे। तुझे लगता है मैं छोड़ूंगा? जी तो। हाँ छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ना है। मोंटू को धमकी दे रहा है। हाँ अरे ये मोटा लड़का तो इस बच्चे को परेशान कर रहा है। माँ ने कहा था कि मेरा जन्म बुराई को सबक सिखाने के लिए हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। ए पिद्दी देख, मैंने तुझे मेरा ये बटन लगाने के लिए बोला था और तूने तो तोड़ दिया। अब मुझे मेरा बटन वापिस लगा कर दे। अरे ये बेचारा लड़का तो खुद ही परेशान है, इस बेचारे का बटन ही तोड़ दिया इस लड़के ने। बटन? मैं अभी बटन ऑन करती हूँ। इस बेचारे को शर्ट बंद करने के लिए बटन चाहिए होगा, मुझे इसे बटन लाकर देना होगा। ये बटन दे देता हूँ उस बेचारे लड़के को ताकि वो अपनी शर्ट बंद कर सके। ए, मेरे को मेरा बटन वापस चाहिए, मतलब चाहिए। नहीं दूंगा। ये लो, तुम्हारा बटन टूट गया तो उसकी जगह ये लगा। स्विच ऑन करना जरा। ऑन करे। किसने की है शरारत? मोंटू, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैंने क्या किया सर? सर, मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। चलो सर, पर सर क्या सर? सर थैंक यू, तुमने मुझे उस बुरे मुंडू से बचा लिया। तुम भी बालवीर हो। तुम्हें कैसे पता? हर बच्चा किसी फंसे हुए बच्चे की मदद करता है वो बालवीर होता है। हाँ, बालवीर होता है। हाँ, बालवीर होता है। अरे तुम यहाँ? अरे मानवेर, ये तुम्हारे साथ है?
हाँ, ये हमारे दोस्त का छोटा भाई है। अच्छा, क्या नाम है इसका? बलवीर। इसका नाम छोटू है। अरे छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें उस तरफ ढूंढ रहे हैं। हाँ चलो, चलते हैं वहाँ पे। चलो। भटकाती परी। नटखट परी? क्या हुआ नटखट परी? हमारा मन बहुत घबरा रहा है भटकाती परी। अगर प्रचंडिका अपना जादुई दंड लेने के लिए यहाँ आ गई और उसने हम पर आक्रमण कर दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता नटखट परी। प्रचंडिका परीलोक पे आक्रमण करने का दुस्साहस कभी नहीं करेगी, वो भी तब जब उसके पास उसका जादुई दंड नहीं है। और अगर प्रचंडिका आक्रमण कर भी दे तब भी उसे उसका जादुई दंड कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परीलोक की बुलंद तिजोरी में रखा है। पर परीलोक की बुलंद तिजोरी से भी तो प्रचंडिका अपना दंड चुरा सकती है ना? नहीं नटखट परी, ऐसा नहीं हो सकता। परीलोक की बुलंद तिजोरी पे लगाए हुए यंत्र के कारण तिजोरी सिर्फ अच्छी और सच्ची परियों के हाथों के स्पर्श से ही खुल सकती है। और अगर किसी बुरी शक्ति का स्पर्श उस तिजोरी पर पड़ा तो उसके हाथ जल के खाक हो जाएंगे। और नटखट परी, ये सब तो आप पहले से ही जानती है ना, फिर आप इतना क्यों घबरा रही है? हाँ, सही कहा आपने भटकाती परी, घबराहट के मारे हम तो ये भूल ही गए थे। डरना डरी परी का काम है, वो उनपे छोड़ दीजिए, ठीक है? भटकाती परी, हमने बच्चों के लिए रुई की जगह बादलों का इस्तेमाल करके नया तकिया बनाया है, देखिए कैसा बना है। अरे वाह नटखट परी, ये तो बहुत ही सुंदर है। हमने इसे अपने हिसाब से तो काफी नरम बनाया है, पर फिर भी आप जांच करके बताइए कि इतना नरम काफी है ना बच्चों के लिए? हाँ नटखट परी, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं परीलोक की बाकी सुरक्षा का मुआयना करने, क्योंकि रानी परी और बाकी की परियां प्रचंडिका की खोज में गई है। तब तक आप रानी परी के दिए हुए काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है? कर लो जितनी सुरक्षा करना चाहती हो भटकाती परी, लेकिन अब मुझे मेरे जादुई दंड को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये किस काम पर ध्यान देने के लिए कह रही थी जिसे रानी परी ने कहा? छोड़ो, होगा कोई फालतू यंत्र जो ये नटखट परी बनाते रहती है। तुम सबको लगा था कि प्रचंडिका अपने जादुई दंड के बिना कमजोर पड़ जाएगी और पलट कर तुम पर वार नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम सब भूल गए कि प्रचंडिका का जादुई दंड जितना शक्तिशाली है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और तेज प्रचंडिका का दिमाग है। कवच ना होने का कैसा फायदा उठाया, पता लगा ही लिया कि मेरा जादुई दंड कहाँ है और वो मुझे कैसे मिले। की इस प्रतिलिपि हाथ की मदद से मैं वो बुलंद तिजोरी खोलूंगी और अपना जादुई दंड चुरा लूंगी और जादुई दंड हासिल करते ही बुराई के बादल बनाना शुरू कर दूंगी और भेद की पत्नी के लिए पृथ्वी लोक पर
जिसके बाद बस तबाही तबाही। मैं तेरे स्कूल के पहले दिन पे ही मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से पंगा लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत ही विशाल है और ना ही मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। माँ हमेशा कहती है कि हर जगह पर बल का नहीं बल्कि अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ से भागने में ही समझदारी होगी। तेरी तो बालवीर को बुलाकर हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। बालवीर, 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 बालवीर। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? पास में ही तो खड़ा हूँ। बड़े अजीब बच्चे हैं आपके। बाल सखी, बाल मित्र, बाल सखी, बाल मित्र, बाल सखी, बाल मित्र, बाल मित्र, बाल सखी, बाल मित्र। आ गए बाल सखी, बाल मित्र। कहाँ है बाल सखी, बाल मित्र? ए पिति, मैं फिर से मुझे उल्लू बनाया। इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो रुक जा, नहीं तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ए पिद्दियो, मेरे रास्ते में से हट जाओ। हट, हट, अरे, अरे, हट, अरे, मेर, हम तो बुरी तरह फंस चुके हैं। हाँ, ना ही हम छोटे बालवीर को अकेले छोड़कर जा सकते हैं और ना ही सबके सामने बाल सखी और बाल मित्र बनके जादू कर सकते हैं। बालवीर, 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 बालवीर। चुप। पिद्दियो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बिद्दी, तेरे में इतनी हिम्मत आई? हाँ, उसको क्या बालवीर समझता है जो तू मानो मेरे को मुझसे बचा लेगा? तेरी तो क्या कर दिया? अकल की जगह बल का इस्तेमाल कर दिया। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। माना, मुझे लगता है बालवीर की ताकत वापस आ रही है। हाँ, यानी बालवीर 48 आवर्स के पहले भी ठीक हो सकता है। हाँ माना, आई होप, लेकिन उससे पहले कोई अनहोनी ना हो जाए। आग से गई, इस बच्चे में इतनी ताकत हो तो नहीं रहा ये बड़ा? नहीं नहीं, इससे पहले हो जाए बालवीर बड़ा, बनाना होगा मुझे उसे चट्टान। उससे तो एकदम बालवीर जी के लेवल की पिटाई की है। छे 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 छे, मोटू बॉस, आप तो एकदम डरपोक है। अरे आप तो ग्रेटेस्ट लकानी कहलाने के भी लायक नहीं हो। आज एक पिद्दी ने आपका बैंड बजाया है, कल 10 पिद्दी बजाएगा, परसों 100 पिद्दी, ऐसा करके पूरा स्कूल आपका, हर कोई आपका बैंड बजाएगा।
अरे आपका तो हालत बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना खाट का। तो भूज का टिफिन घर आए नानी, मुझे भूख लगी है, ला इधर। क्या क्या नहीं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता चिट्टू, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मेरे पिज्जा के दो टाइम के बर्गर के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा चिट्टू। अभी एकदम सही समझा। अब सुनो, सबसे पहले हमको उस पिति को किडनैप करना होगा, फिर उसके बाद ये सर्वदा चट्टान स्प्रे से उस पर स्प्रे मारना होगा, उसका पूरा बदन में खुजली हो जाएगा, वो अगले 7 दिन तक खुजाता रहेगा। इसके बाद कोई भी पिद्दी आपकी खुजली नहीं करेगी, मतलब आपका बैंड नहीं बजा पाएगा। वाह चिट्टू, क्या सही आइडिया है। होगा इस सर्वदा चट्टान फुवारे से चमत्कार, बन जाएगा बालवीर चट्टान हमेशा के लिए, और हो जाएगा फिर इस महान तोबा तोबा का सपना पूरा। अरे कहाँ हो गया, आगे प्लान तो बता। सबसे पहले हमको उस पिति को सबसे अलग करना होगा, खास करके उस मानव और महर्षि। छोटू तूने तो कमाल कर दिया। इतना छोटा होकर भी तूने मांटू को अच्छा सबक सिखाया। अरे वाह दोस्तों, ये तो बालवीर जैसा स्ट्रॉन्ग और मजबूत एकदम। बालवीर जैसा मतलब? अरे मैं ही बालवीर हूँ। लगता है मेरे अलावा कोई और बालवीर भी है। के बालवीर बच्चे बात करते हैं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मुझे परियों की शक्ति मिले बगैर मेरी ताकत अपने आप कैसे बढ़ रही है? लेकिन जो भी हो, मुझे मजा बहुत आ रहा है, सब बच्चे मेरी अभी से तारीफ कर रहे हैं। देखना जब मुझे परियों जैसी शक्ति मिलेगी ना, मैं बड़े बड़े दानवों से लड़ूंगा, बुरी परियों को सबक सिखाऊंगा, तब मैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ये और बड़े होने के बाद तुम्हें बी 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 यानी बच्चों को बचाने वाले बालवीर के नाम से जाना जाएगा। फिर तो मैं बुराई को मिटा दूंगा। मानव बालवीर की बढ़ती शक्ति को देख मुझे थोड़ा डर लग रहा है, नहीं सबको शक ना हो जाए ये बालवीर है। मानो बालवीर की भलाई के लिए हमें बालवीर की शक्तियों को काबू में रखना होगा। सुनो बालवीर, तुम्हारी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो तुम्हें उन शक्तियों को काबू में रखना सीखना पड़ेगा, वरना तुम्हारी वजह से किसी भी व्यक्ति या बच्चे को चोट पहुँच सकती है। सही कहा मानो है, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। नटखट परी आप? हाँ डुबा डुबा एक गई थी आप तो बाकी परियों के साथ प्रचंडिका को ढूंढने, और आ गई इतनी जल्दी वापस, हो गई क्या प्रचंडिका? नहीं डुबा डुबा एक, हम तो रानी परी के आदेश पर यंत्र लोग गए थे समय यंत्र के लिए कुछ पुर्जे लाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी हमें समय यंत्र को ठीक करने लायक कोई पुर्जे नहीं मिले। सर हम अपनी प्रयोगशाला जा रहे हैं, समय यंत्र को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है, हमें जल्द से जल्द समय यंत्र को ठीक करना पड़ेगा ताकि बालवीर जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस आ सके। हाँ है ठीक। हाँ
मैं तो नटखट परी के रूप में हूँ, फिर ये डूबा डूबा एक मुझे ऐसे शक की निगाह से क्यों देख रहा है? क्या हुआ डूबा डूबा एक? नटखट परी? हैं आ सकते आप यहाँ कैसे? अभी अभी तो आप मिली थी मुझे वहाँ पीछे और गई थी प्रयोगशाला की तरफ। हाँ वो हम जा तो प्रयोगशाला ही रहे थे, लेकिन सोचा कि उससे पहले बुलंद तिजोरी की सुरक्षा में तैनात परियों से मिला है और देखा है कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। बुलंद तिजोरी? लेकिन है बुलंद तिजोरी तो उस दिशा में और है जा रही आप उल्टी दिशा में। डूबा डूबा एक, क्या तुम रानी परी हो जो हमसे इस तरह के सवाल कर रहे हो और हम तुम्हें उन सवालों के जवाब दें? नहीं नहीं, है जा सकते आप कहीं भी, वो चलता मैं। बेवकूफ डूबा डूबा एक, लेकिन जाते जाते एक अकलमंदी की बात कर गया। बुलंद तिजोरी किस दिशा में है ये मुझे बता गया। मुंडू बॉस, वो लोग उधर खड़ा है, अब प्लान सुनो। हम लोग उधर जाएगा, हम ये मिर्ची का पाउडर उनके आंख में डालेगा और आप इस गोनी में वो छोटू को बंद कर देना। रेडी? रेडी रेडी। हाँ रेडी रेडी। उधर कौन है? ओका पत्तों से पूछ रहा है। बॉस चलो। गाते हुए कुछ समय के लिए तिजोरी के दरवाजे से दूर उस पेड़ तक जाती है, फिर वापस खस्त लगाते हुए तिजोरी के दरवाजे के पास आती है। यानी परियों के दरवाजे के पास पहुंचने तक मेरे पास बस कुछ ही समय है। तिजोरी के अंदर जाकर अपने जादुई डंड को हासिल करने का।
जादुई डंक। गश्त लगाने का समय पूरा हुआ। हमारी जगह लेने अब दूसरी परियां आती ही होंगी। एक बार जाने से पहले तिजोरी में रखे प्रचंडिका के जादुई दंड सुरक्षित तो है, हम एक बार जांच कर लेते हैं। ठीक है अटकाती परी। यहां दरअसल हम तिजोरी की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए यहां अंदर छुपे हुए थे। अगर प्रचंडिका आप दोनों पर हमला करकर यहां अंदर आ जाती तो हम भी उस पर हमला करके उसे आश्चर्यचकित कर देते। वाह, तुम्हारी समझदारी का जवाब नहीं प्रचंडिका। अच्छा हुआ तुमने अपने जादुई दंड की मदद से हूबहू एक नकली दंड रख दिया। आप खामखा डर रही है नटखट परी। हम सब परियां यहाँ सब संभाल लेंगी। आप केवल वो काम कीजिए जो रानी परी ने आपको दिया है। अपनी प्रयोगशाला में समय अंत को ठीक करने का समाधान खोजिए। हाँ नटखट परी, हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि दो दिन के भीतर ही शक्तिहीन बालवीर की सारी शक्तियां लौट आए और वो पृथ्वी लोक से परीलोक आ जाए। बालवीर को जिसके लिए समय यंत्र को बनाने की कोशिश की जा रही है, हो ना हो बालवीर के शरीर से काल विचित्र पदार्थ के जादू निकालने, बालवीर के शक्तिहीन होने और समय यंत्र कोई ना कोई संबंध जरूर है। और इसका पता मैं पृथ्वीलोक जाकर लगाऊं, और अगर ये बात सच है कि बालवीर शक्तिहीन है तो मेरे लिए तो और अच्छा है, क्योंकि मैं एक तीर से दो निशाने लगाऊंगी। एक तो मैं बुराई के बादल पृथ्वीलोक भेजूंगी और दूसरा बालवीर अगर शक्तिहीन है तो मुझे रोक नहीं पाएगा और मैं उसका खात्मा कर दूंगा। बालवीर नहीं, साधारण बालवीर, आ रही हूं मैं तुमसे मिलने। मुड़ा भाई, क्या कर रहा है रॉकी?
मोटा भाई, मोटा भाई, मुझे एक बात पता करनी है। हाँ पूछ। लेकिन अब गुस्सा होगे तो नहीं? नहीं गुस्साऊंगा, पूछ। प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस तू पूछ तो सही। ये क्या क्या हो गया? वाह, यही पता करना था कि पैर पे पैर मारो तो दर्द होता है या चीख भी निकलती है। हाँ, अब पता चल गया कि चीख भी निकलती है। रॉकी, मुड़ो भाई, मुड़ो भाई, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मारोगे। क्या किया तूने? कबाल भी शक्तिहीन है तो हो ना हो बल्लू के रूप में मानो मेहर के साथ इसी घर में छुपा होगा। ये क्या किया तूने? ये चौकी क्या कर रहा है? कहीं भी नजर नहीं आ रहा बालवीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि परियों ने बालवीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी और सुरक्षित जगह पे छिपा दिया है? क्योंकि परियां जानती कि बालवीर के इस ठिकाने को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मुझे और समय यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। रॉकी भैया, मैंने आपसे कहा था मानव मेहर और छोटू की अच्छी सी फोटो निकाली है, ये आपने कैसी फोटो निकाली है? लेकिन भाभी आपने तो कहा था कि यूनिफॉर्म में छोटू बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने छोटू की यूनिफॉर्म की फोटो मानव महल के साथ ले ली। छोटू कौन? मोटा भाई देखो ना, छोटू की यूनिफॉर्म कितनी अच्छी लग रही है। कहाँ? रॉकी कहाँ है? बच्चे कहाँ दिखाई दे रहे थे बता। रॉकी, स्मिता ने तुझे सिर्फ यूनिफॉर्म की फोटो खींचने के लिए नहीं कहा था, यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चों की फोटो खींचने के लिए कहा था। बता मुझे इसमें बच्चे कहाँ है, दिखते हैं कहाँ बता। छोटू बच्चे के हाथ पर बिल्कुल वही परी तरह का चिन्ह है जैसा बालवीर के हाथ पर होता है। कहीं ये छोटू और बालवीर एक ही तो नहीं? कहीं समय यंत्र के खराब होने के कारण बालवीर छोटा बच्चा तो नहीं बन गया? और इसीलिए परियां समय यंत्र को बनाने की बातें कर रही। अब इस रहस्य का पर्दा स्कूल जाकर ही खुलेगा, जब मैं इस नए छोटू किरदार से मिलूंगी। चिट्टू, अब हम उस छोटू की बैंड बजाएंगे। जल्दी से वो खुजली वाला स्प्रे निकाल, पे मार देंगे और फिर 7 दिन तक वो खुजाता रहेगा। है ये मोंटू बहुत ही बेवकूफ है, नहीं मालूम इसे कि है अंदर इसके बालवीर और मेरे इस यंत्र की फुहार से होगी नहीं खुजली, बल्कि बना देगी ये फुहार चट्टान बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए। मुंडू बॉस, वो आदमी उधर बैठा है, वो जाएगा ना उसके बाद हम छोटू को बाहर निकालेगा। छोटू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू देख मैं इस आदमी को अभी भगाता हूं, देखते जा। बॉस वो आदमी गया। देखा चिट्टू, मैंने बोला था ना। रोहित अब देखता मैं सिद्धि की कैसे बाट लगाऊंगा। ये देख
मेरे डर के मारे हल्का हो गया हल्का। अब तो इसकी जबान भी बंद है। ये देख बाल भी चले गए उस सिद्धि के। ये क्या आ गया? बॉस, ये छोटू कचरा कैसे बन गया? समझ गया मोटू बॉस, ये गुनी हमारी नहीं, ये गुनी जरूर उस आदमी की है। अरे चलो। ओ अंकल, वो गुनी हमारी, ये गुनी मेरी है। अरे हमारा है, अरे हमारा जरूर इस मोटे की करतू तो भी मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे हमारे, चुप। देखो वो गोली हमारी है और वो सामान भी है वो हमारा है। वो रही तुम्हारी गोली और वो रहा तुम्हारा सामान। मेरा सामान कुत्तो। अरे बेवकूफो, मुंह क्या देख रहे हो, स्प्रे डालो। अरे खाली कौन है? हाँ बालवीर कहाँ गया? बालवीर? अब वो बच्चा बालवीर को बुलाए, उससे पहले हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। हाँ चल। हाँ चलो। अरे ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा उस मोटे बच्चे का जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा? परी ने बताया कि वहाँ पे बर्फ के गोले पे रंग डाल के खाता है। नटखट परी ने जैसे चीजें बताई थी वो सब चीजें यहाँ मौजूद है। अब इनका आनंद लूंगा पर शुरुआत कहाँ से करूँ? अरे भाई साहब, एक आइसक्रीम देना। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। फिर तो ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा। स्वीटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है बताओ? डांटडन खंजूस, तुम मेरे लिए खाली कौन लेके आयो? स्वीटी धन्यवाद, आपने अपने मित्र को खिलाने के बजाय मुझे खाने के लिए दिया। ए, 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 रुक, ए। पृथ्वी लोक में कितने अच्छे लोग हैं, खाने पीने की चीजों को लेकर कोई लालच नहीं। मुझे ये मटका खिलाने के लिए। ए, दे इधर। नहीं, ये मेरे पॉकेट मनी के पैसे, मैं नहीं दूंगा। दे, दे मारूंगा तुझे। नहीं, नहीं, बालवीर, 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 बालवीर।
नाम कैसे पता? ए, इधर। नहीं, ये मेरे पॉकेट मनी के पैसे, मैं नहीं दूंगा। मैं मारूंगा तुझे। नहीं, नहीं, बालवीर। यहाँ के बच्चों को मेरा नाम कैसे पता? क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं ही हूँ बालवीर। ए, सुनो 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 सुनो, ये देखो, ये बालवीर जिसको देखो खुद को बालवीर समझने लगता है। रुक, अभी तेरा बालवीर का भूत निकालता हूँ। रुक। यही तो अरे इस छोटे से बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? लगता है बात भी नहीं दी होगी, वो यही कहीं चुप के इस गुंडे को सबक सिखा रहा होगा। मुझे बुराई बर्दाश्त नहीं होती। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मुझे भी पूरा यकीन है बालवीर ही ये सब कर रहा है, नहीं तो इस छोटे से बच्चे की ये मजाल कि चोर का ये हाल कर दे। मार दिया। अरे बोधो, आपका ये हालत किसने कर दिया? अरे छोटे बच्चे ने बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा उधर, बहुत एकदम मारा मार के तोड़ दिया। अरे बच्चा है किया ये जरूर बालवीर ने, हुआ मतलब इसका कि होगा आसपास ही बालवीर भी। अरे मुझको उधर चलो, उधर होगा वो। चंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। मंजिल जितनी करीब होती है तीरज रखना उतना ही असंभव हो जाता है, और मैं जल्द से जल्द इस बालवीर का अंत कर देना चाहती हूँ। लेकिन पहले ये तो पता लगा लो कि बालवीर के साथ माजरा क्या है, और सबसे पहले मुझे मानव वहर का पता लगाना होगा, क्योंकि हो ना हो बालवीर उन्हीं के साथ होगा। बालवीर तो स्कूल की कैंटीन में भी नहीं मिला, अब उसे कहाँ ढूंढे? हाँ मैंने सारी क्लासरूम चेक कर ली, पर मुझे बालवीर कहीं नहीं मिला। अब क्या करें मैं? बालवीर की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी। जब हम छोटे थे तो हमारा कितने अच्छे से ख्याल रखता था बालवीर, हमारी सुरक्षा करता था, पर आज जब बालवीर एक छोटा शक्तिहीन बच्चा बन गया तो हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। प्रकृति भी कितना साथ दे रही है मेरा आज, पहले तो परी लोग के बादल चुराने की योजना पूरी हो गई, और अब ये खबर कि बालवीर छोटा शक्तिहीन बच्चा बन गया। बालवीर अब देखना कितनी आसानी से मैं तुम्हें मसल कर रख देती हूँ। कि सबसे पहले मुझे इस छोटे बालवीर को खोजना होगा। मानव महर उस तक पहुंचे, उससे पहले मुझे उस तक पहुंचना होगा।
रानी परी, हम इस समय यंत्र को ठीक करने में असफल रहे, इस समय यंत्र का ठीक होना अब बिल्कुल असंभव है रानी परी। नटखट परी, हमें ऐसा लगता है कि परीलोक की सुरक्षा को लेकर आप कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं, इसलिए आप समय यंत्र को ठीक करने में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पा रही हैं। और आपको याद है जब हम आपको परिभाग में मिले थे, तब भी आपका पूरा ध्यान प्रचंडिका और उसके जादुई दंड की सुरक्षा पर ही था। और इसलिए तो आप विलन तिजोरी के अंदर उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद थी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है परियों, हम तो प्रयोगशाला से बाहर ही नहीं निकले, हम तो समय यंत्र को ठीक करने में व्यस्त थे। हाय, बिल्कुल ठीक करे नटखट परी, क्योंकि हर पल था मैं उनके साथ। हाँ, यहाँ तक कि हुआ मुझे भी आभास की मिला में दो दो नटखट परी से। परियों, हमें तुरंत बुलंद तिजोरी के पास जाकर प्रचंडिका के जादुई दंड को देखना होगा। चलिए परियों। चलो हम झूला झूलते हैं। वाह, परीलोक में तो खेलने के लिए मेरे पास सिर्फ दुर्बली चिकली थी, पर यहाँ पर खेलने के लिए तो कितनी सारी चीजें नए हैं। अरे चल झूला झूलते हैं। हाँ। हे पिद्दी, बहुत भाग लिया हम लोग से तू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ? हाँ यहाँ है, मुझे पता कि हो तुम ही बालवीर। अब नहीं बचोगे तुम मेरे इस सर्वदा चट्टान की फुहार से, जो बना देगा तुम्हें एक ही पल में मनुष्य से चट्टान। तो बा माँ कहती है कि बुराई का पेट चाहे जितना भी घना और बड़ा क्यों ना हो, उसकी जड़े कमजोर होती है, इसलिए अच्छाई के आंधी के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता। हाँ, वो मैं भी देखता कि है क्या बिगाड़ता एक शक्तिहीन बच्चा इस महान तोबा तोबा का।
तोबा तोबा, भूलो मत, मेरा जन्म ही बुराई को विनाश करने के लिए हुआ है। रुको, रुको। बहुत स्वादिष्ट है, पर अब मुझे इन सब में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मुझे जल्दी से जाकर बाल मित्र और बाल सखी को तोबा तोबा के बारे में बताना चाहिए। आया हूँ मैं यहाँ लड़ने और है खाना ये आपे बूटी के बाल। ए छोकरे! ये क्या रानी परी, जादुई डंड तो सुरक्षित है, फिर वो यहाँ क्या करने आई थी? असली नहीं बल्कि नकली जादुई दंड है। परिलोक पर सुरक्षा कवच ना होने का फायदा उठाकर प्रचंडिका अपना जादुई दंड चुराने में कामयाब हो गई। इसका मतलब बुलंद तिजोरी में हम नटखट परी से नहीं प्रचंडिका से मिले थे, और हमने तो उसे समय यंत्र के साथ साथ बालवीर के शक्तिहीन होने की बात भी बता दी। इसका मतलब बालवीर को ढूंढने के लिए प्रचंडिका इस समय पृथ्वी लोक पर ही होगी, और अगर अगर उसने बालवीर को पकड़कर उन पर आक्रमण कर दिया तो बालवीर कुछ नहीं कर पाएंगे। परियो, बच्चे अगर स्कूल में नहीं मिलते तो बाग में जरूर मिलते हैं, और हो ना हो छोटा बालवीर यहीं कहीं खेल रहा होगा, लेकिन इन सब बच्चों में मैं छोटे बालवीर को पहचानूंगी कैसे? मगर छोटे बालवीर के हाथ पर परी तारा के चिन्ह से उसकी पहचान हो सकती है। इसका मतलब मुझे इन सब बच्चों के हाथों में परी तारा के चिन्ह को ढूंढना होगा। अगर समय बचाने के लिए मुझे इन सब बच्चों के हाथों का एक साथ निरीक्षण करना होगा। अरे हमारे हाथ अपने आप ऊपर कैसे उठ गए? अरे ये हमारे हाथ नीचे भी नहीं हो रहे हैं। चिल्ला मत, एक दुष्ट आदमी मेरे पीछे पड़ा है। अरे ये तो भयंकर परी की तरह दिखने वाली कोई बुरी परी है। इस बच्चे ने मुझे देख कैसे लिया? मुझे कोई भी साधारण मनुष्य देख नहीं सकता, कहीं ये बालवीर तो नहीं? वापस क्या क्या सोचा था, बनूंगा मैं इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। एक तो बालवीर हाथ से निकल गया और अब ये आ गई, लेकिन तोबा तोबा
अगर है जान प्यारी तो पड़ जा इसके चरणों में फिर। लेकिन बन चुके थे आप तो भगोड़ी। था मेरा मतलब ये कि भाग-भागकर रहा था ढूंढ में आपको, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, हर लोग ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले आप मुझे। है दीदी मुझे आपका एक विशेष सूचना, जिसे सुनकर बना दूंगी आप मुझे अपना प्रधान। है अभी अभी जो गया बच्चा है वही छोटा बालवीर। पता है मुझे, तुमने उसे उसके नए रूप में देखा है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो चलो इससे पहले कि बाल मित्र बाल सखी उससे मिले मुझे उस तक पहुंचना होगा, तो चलो मेरे साथ। अरे आ गई ये बेवकूफ बुरी परी मेरे बिछाए हुए जाल को बिगाड़े, पकवान कोई और बनाए और खाए उसे कोई और। चल भी चलो बेवकूफ। मेरी जान खतरे में, अगले साल मुझे जादुई शक्तियाँ मिलने वाली है। आज अगर मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती तो मैं इस बुरी परी को यही समाप्त कर देता। मानो मेरे का है, अब वो ही मुझे इस बुरी परी से बचा सकते हैं। वो रहे बाल सखी बाल मित्र। प्रचंड का नाम है मेरा। बालवीर का अंत करना कितना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया। खेल खत्म होने के बाद तय होता है, और अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और तुम अपनी जीत का जश्न मनाने लग गए। नहीं बाल सखी, हर बार तुम लोगों ने मुझे मात दी है, लेकिन इस बार मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इस बार बालवीर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.